गुरुग्राम के जैकबपुरा में श्री दिगंबर जैन बरादरी में निशुल्क दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर वर्धमान सेवा संस्थान द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लगाया गया है। 3 दिवसीय इस शिविर में 250 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को यंत्र वैसाखी ट्राइसाइकिल हाथ एवं पैर लगाए गए। वर्धमान सेवा संस्थान के अध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों की मदद करना है, जिससे वह स्वावलंबी बन सके। एक हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया, जिसके अंतर्गत कि 3 दिन का एक दिव्यांग कैंप भगवान महावीर विकलांग समिति जयपुर के सहयोग से रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर हमने छोटा सा कैंप लगाया। इसमें दिव्यांग भाइयों के लिए जिनके हाथ या पैर नहीं है, हम लोग थोड़ा सा भी किसी प्रकार से सहयोग कर सकें, इस निमित्त से एक कैंप लगाया गया, जिसके अंदर कि दूर दूर से अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने अपने आर्टिफिशियल हाथ या पैर, किसी ने हाथ लगवाए, किसी ने पैर लगवाए, यहाँ पर किसी ने सुनने की मशीनें भी उनको प्रोवाइड कराई गई, पैरों में जिनके पोलियो था उनको कैलिपर उनको दिए गए, ट्राई साइकिल का वितरण किया गया, इनके साथ साथ व्हील चेयर का वितरण यहाँ पर किया गया। ये जो कैंप विकलांगों के लिए लगा है, इसमें करीब हमारा जो टारगेट है 3 दिन के अंदर 250 पेशेंट्स का कम से कम नहीं होगा, जिसमें हम 25 ट्राई साइकिल, 15 व्हील चेयर और पोलियो कैलिपर्स, कृत्रिम पैर और हाथ लगे वैसाखियाँ भी वितरित करेंगे। और क्या ये निःशुल्क है पूरी तरह से, और किसके सहयोग से ये कैंप चलाया जा रहा है? ये कैंप हमारी संस्था वर्तमान सेवा संस्थान, और इसमें हमें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर का सहयोग प्राप्त। वहीं रेड क्रॉस के सचिव श्याम सुंदर का कहना है कि संस्था द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। नरसेवा नारायण सेवा, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं है। और शिविर में दिव्यांगों को जरूरत का सामान वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में इससे पहले भी बड़े स्तर पर शिविर लगाए जा चुके हैं। वर्धमान सेवा संस्थान है हमारे गुरुग्राम में, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम प्रशासन के साथ मिलकर, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर और दिल्ली के साथ मिलकर दिव्यांग जन के लिए सेवा करेंगे। तो ये 3 दिवसीय कैंप है, जो कि कल शुरू हो चुका है और आज और फिर मंडे तक ये कैंप चलेगा। हमारा एक ये संस्था है जिसमें हम 18 मेंबर्स हैं, तो बैठे बैठे हमारे मन में विचार आया, क्योंकि हम देखते थे विकलांग आदमी रगड़ते हुए घसीटते हुए सड़कों पर जा रहे हैं, तो मन में विचार उठता था कि क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। जब इनको देखा, इनकी व्यथा को देखा, तो सबने हमने मिलकर विचार किया क्यों ना एक ऐसा प्रयास किया जाए जो ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने आत्मनिर्भर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो क्यों ना ऐसा काम करें कि ये भी किसी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। आपको बता दें कि जैकमपुरा में लगाए गए इस शिविर के अंदर गुरुग्राम ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दूसरे कई राज्यों से दिव्यांग भी शामिल हुए, जिनमें 350 दिव्यांगों को ये सारे जरूरत के सामानों को वितरित किया गया। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।